सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरु। तुमेव माता च पिता तुमैव बंधु च सखा तुमैव विद्या च द्रविणं तुमैव सर्वं मम देव देवः। आज भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् वेदांत भागवत के 11वें स्कंध का 13वां अध्याय ले रहे हैं। ये जो 13वां अध्याय है इसमें हंस रूप में संकादिक को दिए उपदेश का वर्णन आया है और यहां उद्धव जी और श्री कृष्ण जी की परस्पर चर्चा चल रही है, सत्संग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मेरे प्रिय उद्धव, सत्व रज और उत्तम ये तीनों बुद्धि यानी प्रकृति के गुण हैं। देखिए यहां पर एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने, उस शब्द का प्रयोग जो किया है बुद्धि और उसमें ब्रैकेट में प्रकृति के गुण है ऐसा लिखा। वास्तव में जो तुम्हारी बुद्धि है वही सत्व रज और तम की पहचान भी करती है और वही उसमें लिप्त भी होती है। इसलिए चूंकि वेदांत भी कहता है और परमात्मा को पाने का साक्षी सच्चिदानंद मार्ग भी कहता है कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी पंच तन्मात्राएं सहित जो 10 इंद्रियां हैं वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा से अलग है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि सत रज और तम ये तीनों बुद्धि के गुण हैं, आत्मा के नहीं है। अब सत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि गुण यदि आते हैं तो रजो गुण और तमो गुण की तुलना में सत्व गुण को आप स्वीकार कर लो, उसमें तुम्हारे लिए सुविधा है। क्योंकि अभी निर्गुण में तो छलांग तुम लगाने के योग्य नहीं हुए हो तो कम से कम सत्वगुण को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके बाद जो सत्वगुण की शांत प्रकृति होती है, जिसमें सत्वगुण होता है वो व्यक्ति शांत होता है। तो इस शांत प्रकृति के द्वारा हमें ध्यान करने में मदद मिलती है। तो शांत प्रकृति के द्वारा हमें ध्यान करना चाहिए और उस शांत प्रकृति में जो दया आदि वृत्तियां होती हैं उनको भी अपन को शांत कर देना चाहिए। ये पहला श्लोक है। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है हाँ
जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तब मेरी भक्ति रूप स्वधर्म में अपने आप जीवात्मा की प्रवृत्ति होती है। यदि आपकी प्रवृत्ति, यदि आपका आपको ध्यान करने में इंटरेस्ट आने लग गया तो समझो आप सत्वगुण में आपकी प्रवृत्ति हो गई। यदि आप कुछ करने कराने में लग गए तो समझो कि आप रजोगुण में प्रवृत्त हो गए। यदि आपको क्रोध, लोभ, काम इत्यादि आ रहे हैं या नींद आ रही है या तद्रा आ रही है, आप समझ लो आपको तमोगुण ने घेर लिया है। ये दूसरा श्लोक का की व्याख्या है। जिस धर्म के पालन से सत्वगुण की वृद्धि हो वह धर्म अर्थार्थ कर्तव्य श्रेष्ठ है। यानी धर्म यहाँ पर क्या लेना, करने को लेना, कार्य को लेना। जिसको करने से आपका सत्वगुण बढ़ता है वह सबसे श्रेष्ठ है। जिस भोजन को करने से आप सत्वगुण में जीने में आपको मदद मिलती है वो श्रेष्ठ है। इसलिए निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्वगुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। यहां पर भक्ति शब्द से आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि भक्ति का मतलब है ध्यान और ध्यान का मतलब है भक्ति। सत्वगुण और धर्म दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, एक दूसरे के में इंटरचेंज होते हैं। अब रज और तम ये अगर मिल जाते हैं, रज और तम मिलके ये अधर्म होता है। यह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। कौन सा? सत्वगुण। जब वे नष्ट हो जाते हैं तो उनके कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र मिट जाता है। तीसरा श्लोक। शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार, ये 10 वस्तुएं सात्विक हों तो सत्वगुण की वृद्धि करती हैं। यदि शास्त्र सात्विक हो यानी सद्गुरु की वाणी को आप पढ़ते हैं, जल सात्विक हो, शुद्ध हो, जहां रहते हो वहां के प्रजाजन शुद्ध हो, जो देश में रहते हो वह देश शुद्ध हो, शुचि नाम देश आए, और समय ठीक ठाक हो, कर्म ठीक हो, आपके जन्म अच्छे परिवार में हुआ हो, आप ध्यान करते हो और आपके संस्कार अच्छे हो, आपको किसी गुरु की अच्छी सलाह मिलती हो, तो ये 10 वस्तुएं जो होती हैं वो सात्विक हो तो सत्वगुण की वृद्धि करती हैं। अगर यही राजसी हो, ठीक शास्त्र नहीं पढ़ते हो, तंत्र मतलब दूसरे शास्त्र पढ़ते हो, कर्म शास्त्र पढ़ते हो, जल अच्छा नहीं पीते हो, प्रजनन अच्छे ना हो, आसपास के परिवेश में घमंडी और रजोगुणी लोग हो, देश अच्छा ना हो, सीरिया जैसा देश हो, अफगानिस्तान जैसा देश हो जहां पर हिंसा मार काटी चल रही हो, तो देश अच्छा ना हो, समय अच्छा ना हो, आपका समय ऐसा चल रहा हो कि आप के पास खाने के लिए भोजन ना है और तमाम प्रकार की कोर्ट कचहरी दुनिया भर की परेशानी आपके साथ चल रही हो, आपके कर्म अच्छे ना हो, आप उल्टा सुल्टा कर्म करते हो, चोरी करते हो, जुआ खेलते हो, धोखाधड़ी करते हो, झूठ बोलते हो, दूसरों को ठगते हो, ऐसे कुछ कर्म करते हो, आपका जन्म अच्छे परिवार में ना हुआ हो, मांसाहारी व्यभिचारी ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ हो, कुछ लोगों का जन्म ऐसे खराब परिवार में होता है, वो चाह के भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते। ध्यान ना, आपको ध्यान व्यान के बारे में कुछ पता ही ना हो, आपको उल्टा सुल्टा लोगों ने ध्यान सिखा दिया हो, बलि इत्यादि करना सिखा दिया हो, तो इस प्रकार के जो इनसे रजोगुण की वृद्धि होती है। और अगर यही चीजें, 10 चीजें अगर तामसी हो तो तमोगुण की वृद्धि होती है। जैसे उलूक तंत्र पढ़ रहे हो,
जैसे इंद्रजाल पढ़ रहे हो, ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जैसे जल में दूषित पदार्थ शराब इत्यादि मिला के पी रहे हो, ऐसे गुंडे लुच्चे मवालियों की मोहल्ले में रह रहे हो, है ना, ऐसे तुम गलत देश में रह रहे हो, मांसाहारी व्यभिचारी लोगों के बीच में रह रहे हो, ऐसे तुम्हारा समय ऐसा है कि मारकाट चिल्ला चोट गाली गलौज में बीत रहा हो, तुम्हारा जन्म बहुत निकृष्ट परिवार में हो गया हो, तुम्हारे परिवार के कर्म अच्छे ना हो, जुआरी शराबी या बकरे काटने वाले परिवार में हो, तो इस प्रकार के जो कर्म दसों ये चीजें होती हैं, तो ये तमोगुण की भी वृद्धि यही करती हैं। मतलब ये 10 चीजें खास हैं। फिर दोहरा देता हूं, ध्यान से सुन लो, शास्त्र है, जल है, प्रजाजन है, देश है, समय है, कर्म है, जन्म है, ध्यान है, मंत्र यानी सलाह है और संस्कार है, जिनकी अब चौथा श्लोक है। ये पांचवा श्लोक में क्या कहा भगवान ने, जिनकी महात्मा प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, और जिनकी महात्मा निंदा करते हैं वो तामसिक हैं, और जिनको महात्मा उपेक्षा कर देते हैं, ध्यान नहीं देते उनका, उनसे बच के निकल जाते हैं, वो राजसिक हैं। जब तक आत्मा का साक्षात्कार न हो तब तक सत्वगुणी बने रहो, ये इसका उद्देश्य कहने का। सतोगुण सदगुरु का ज्ञान बड़े से बड़े तमोगुणी को भी क्षण में साक्षात्कार करने में समर्थ है। एक क्षण में साक्षात्कार कराने में सदगुरु का ज्ञान समर्थ है। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार न हो तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर को उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो, तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का सेवन करे, क्योंकि उस से धर्म की वृद्धि होगी और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्मज्ञान का आत्मा का ज्ञान होगा, आत्म तत्व का ज्ञान होगा, और ज्ञानाग्नि जब प्रज्वलित होती है तो समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके और स्वयं भी शांत हो जाती है। सातवां श्लोक है। हे उद्धव, तत्व ज्ञान हो जाने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, सभी मनुष्य जानते हैं कि विषय विपत्ति का घर है, फिर भी जानवरों की तरह सुख दुख सहन करके भी और विषयों को भोगने के चक्कर में क्यों रहते हैं, इसका क्या कारण है, क्यों वो विषयों के प्रति आकर्षित होते रहते हैं। भगवान ने कहा, प्यारे उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर और हृदय से सूक्ष्म स्थूल शरीर में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम है, अज्ञान है, तब उसका सत्व प्रधान मन रजोगुण की ओर झुक जाता है और उससे व्याप्त हो जाता है। रजोगुणी मन में संकल्प विकल्प का ताना लग जाता है, मन का शरीर विषयों का चिंतन करने से दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदों में फंस जाता है। अज्ञानी काम बस बहुत से ऐसे काम कर्म करने लग जाता है और इंद्रियों के वश में होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुखी होगा, उन्हीं को मजबूर होकर करता है, रजोगुण की तीव्र वेग से मोहित रहता है। मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे शराबी जानता है और दूसरों को कहता है भैया शराब मत पीना, बहुत खराब चीज है, लेकिन खुद पीता है, है ना। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, जैसे सतोगुणी भी व्यक्ति होता है और थोड़ा बहुत उसको ज्ञान भी है, तो भी उसका चित्त कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है, इसलिए वह सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, यानी बार बार साक्षी में आता रहता है, और उससे उसके विषयों की आसक्ति नहीं होती और विवेकी अपने आप को संभाल लेता है, ठीक वैसे ही संभाल लेता है जैसे भगवान शंकर ने मोहिनी रूप को देखकर बाद में अपने आप को संभाल लिया था। बार बार साधक को चाहिए कि आसन और प्राण दोनों को विजय करे, अभ्यास में असफलता देखकर तनिक भी डरे नहीं, उबे नहीं, बल्कि उत्साह से उसी में जुट जाए, और सनकादि ऋषियों का यही योग मत है।
शनकादि ऋषि कहते हैं कि चिंता न करो, है ना। जब कोई तुम भक्त लोग कहते हैं गुरुजी साक्षी नहीं लगता क्या करें, कोई बात नहीं मत लगने दो, लेकिन तुम बैठो, बैठे रहो 70 मिनट बैठे रहो, लगे ना लगे। तो उद्धव जी ने पूछा कि भगवान शनकादि को जो आपने योग का आदेश दिया उसको मैं जानना चाहता हूं, उसको मैं जानना चाहता हूं। तब भगवान ने कहा उद्धव से कि बुद्धि बुद्धि कर्म प्रवण नहीं ज्ञान प्रवण हो, यानी कर्म की तरफ झुकाव ना हो, तुम्हारा ज्ञान की तरफ झुकाव बुद्धि का, तो वो बुद्धि सहायक है। क्योंकि ब्रह्मा जी की बुद्धि कर्म प्रवण थी, ब्रह्मा जी कर्म की तरफ झुके हुए थे, अतः वह शनकादि को यानी अपने पुत्रों को भी योग रहस्य नहीं समझा पाए। तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया यानी मेरा स्मरण किया, तो फिर मैंने हंस का अवतार ग्रहण किया और कहा श्रीमन नारायण 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 हंस नारायण हंस नारायण। भैया जो परम हंसों के गुरु हैं यानी शनकादि के गुरु हैं, उनके चरणों में पवित्र चरणों में प्रणाम करने में मुझे कोई शर्म नहीं है और लज्जा नहीं। क्यों? कि वही नारायण जब किसी पर कृपा करते हैं तभी तो वो व्यक्ति सद्गुरु हो पाता है। इसलिए अब हंसावतार में भगवान आए तब उन्होंने क्या कहा, शनकादि को संबोधित किया और कहा कि ब्राह्मणों यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, यानी परमार्थ, यानी परमार्थ किसको कहते हैं मालूम है, आत्मा का नाम है परमार्थ, ये अपने इंदौर आश्रम का नाम है शिवोहम सच्चिदानंद परमार्थ आश्रम। तो परमार्थ का मतलब है आत्मा का ज्ञान, ये परमार्थ है। तो परमार्थ वस्तु रूप वस्तु, वस्तु इस ढंग से कहने का ढंग होता है शास्त्रों का, तो नानात्व से सर्वथा रहित है, इसमें कुछ नानापन नहीं है, मतलब भिन्नता नहीं है, यह आत्मा एक रस है, एक सी है सब जगह। तब आत्मा के संबंध में आपका यह प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है, मन से वाणी से दृष्टि से अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, यह सिद्धांत आप लोगों के लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। 24वां श्लोक है और ये गीता के उस अभिमत से मेल खाता है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्माहुर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गणतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। परमात्मा के अतिरिक्त इस जगत में कुछ ना है, ना हुआ है और ना हो सकता है, इसलिए इस जगत में परमात्मा ही परमात्मा है। और जो आप नाना प्रकार की चीजों को देखते हो ये आपका भ्रम है, ये जगत भ्रम है। भगवान ने कहा उमा कहू मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। इस जगत में हरि भगवान ही भरे भर पड़े हैं, आत्मा ही आत्मा है, अनात्मा कुछ भी नहीं। गोरक्षनाथ जी ने कहा साची बात कहूं मेरे अवधू साची करनी करके तू चींटी में नानो बन बैठो हाथी में बनो मोटो तू बालक बन के रोवण हारो जहां देखो वहां तू ही। और भोले बाबा ने कहा कि कण कण में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा प्रकाश हो रहा, मूरख न जान पाए तो भगवान क्या करे निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या पढ़े। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए,
यानी आत्म ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, साक्षी से सच्चिदानंद परमात्मा की ओर की यात्रा कर लीजिए। मुझे परमात्मा का साक्षात्कार पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है, जैसे किसी स्त्री का चिंतन करते करते चित्त उसमें चला जाता है, लोभ का चिंतन करते करते लोभ में चला जाता है। इसी तरह से अगर परमात्मा की ओर आपका चिंतन बहता रहेगा, अगर आप परमात्मा की ओर जाने के लिए यह साक्षी का ध्यान करते रहेंगे तो क्या होगा पुत्रो, जैसे यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है, ऐसे विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, ऐसे चित्त और विषय मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं। अर्थात परमात्मा का अर्थात आत्मा का चित्त और विषय से कोई संबंध नहीं है। वो पूछे ना कि क्यों ऐसा होता है, आदमी क्यों मजबूर होकर चला जाता है, क्योंकि वो चित्त चिंतन करता है और उस चित्त के चिंतन करते करते उसके चित्त के अंदर वो चित्रित हो जाता है, वो इमेज बन जाती है और उसमें वो चित्त उसी ढंग का हो जाता है, जैसे शराबी का चित्त, कामी का चित्त, जुआरी का चित्त, हिंसक का चित्त, हत्यारे का चित्त, चोर का चित्त, इस तरह से अनेक 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 व्यक्ति वैसा का वैसा हो जाता है। चोर मनुष्य नहीं होता, उसका चित्त चोर होता है। तो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्था तीनों गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके ही इनसे मुक्ति संभव है। तुम इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव मुझसे अलग है, यह सिद्धांत श्रुति युति अनुभूति से युक्त है। 27वां श्लोक, तुम इन वृत्तियों के साक्षी हो और चूंकि तुम इसके साक्षी हो तब तक तुम जीव हो, और अगर तुम साक्षी के बाद उस शून्य में चल गए जहां सच्चिदानंद का परमात्मा का द्वार है, तो फिर तुम जीव अवस्था के ऊपर उठना शुरू कर देते हो। मैं साक्षी से लेकर आता हूं कि साक्षी जीव अवस्था की वह सीमा है जहां से शिवत्व की का द्वार खुलता है। तो ये भागवत भी इसका प्रमाण दे रही है। तीनों गुणों की ये वृत्तियां ही बंधन है, आत्मा में यह बंधन भासता है, अतः तीनों अवस्थाओं से अलग और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थित होकर ही इस बुद्धि के बंधन का परित्याग संभव है। विषय और चित्त दोनों का एक साथ त्याग हो जाता है, चित्त भी छूट जाता है और विषय भी छूट जाता है। कभी कभी मैं कहता हूं कि हम वो कंबल ही फेंक देते हैं जिसमें जू हो, हम उस कंबल को यानी उस चित्त को ही फेंक देते हैं, त्याग हो जाता है। 28वां श्लोक, यह बंधन अहंकार की ही रचना है ब्राह्मणों, और आत्मा के परिपूर्ण परिपूर्णतम इससे अब कुछ हो नहीं सकता, सत्य अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। कौन छिपा देता है? यह अहंकार, यह बंधन जो है अहंकार की रचना ही छिपा देता है। अतः तीन अवस्थाओं में अनुगत जागृत स्वप्न सुसुप्ति में तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता छोड़ दो, यानी तुरीय अवस्था में जीने लगो, यानी आत्मा में जीने लगो, यानी जागरण में जीने लगो, यानी साक्षात्कार में जीने लगो, यानी स्वरूप में जीने लगो। ये 29वां श्लोक है। अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोया हुआ सा रहता है, जैसे स्वप्न अवस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूं, ऐसे ही अज्ञान नींद है और ज्ञान जागरण है। विषय और चित्त का जोड़ा है, और कारण है अहंकार। विषय और चित्त ये दोनों पेयर हैं, जोड़े हैं, पति पत्नी जैसे हैं, और जैसे दो जूते, एक दाहिने पैर का एक बाएं पैर का, ऐसे विषय और चित्त हैं।
और इनका कारण अहंकार, क्योंकि अहंकार ही आवरण है। आवरण यानी जो ढके हैं, आवरण यानी जो भुलाए हैं, आवरण जो तुम्हारी सुधि नहीं लेने दे रहा, आवरण वो जो तुम्हें कुछ का कुछ ही सब बता रहा है। आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी संबंध नहीं है, कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम स्वर्गादिक फल इस आत्मा के लिए मिथ्या है और झूठा है। आत्मा के लिए न स्वर्ग हुआ है, न नरक हुआ है, और न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र हुआ है। जैसे स्वप्न में देखे पदार्थ मिथ्या होते हैं जागृत में, ऐसे ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति बुद्धि की वृत्तियां ये सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है। जीव को साक्षी कहा है और तुरीय में बुद्धि भेद नहीं होता, जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है, और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है, और सुषुप्ति अवस्था में उन विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है, जो अनुभव करता है वह दूसरे के अनुभव में नहीं आता, वह ही परमात्मा चैतन्य है। ब्राह्मणों, मेरे प्यारे ब्राह्मणों, जागृत अवस्था में ये सनत कुमार जी से, चारों सनत कुमारों से भगवान हंस कह रहे हैं, हंसावतार कह रहे हैं कि जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्न अवस्था के मन, सुषुप्ति के संस्कार बती बुद्धि का भी वही स्वामी है, वही परमात्मा चैतन्य स्वामी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा हूं, इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध पाया जाता है, क्योंकि वही त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। 32वां श्लोक। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं, और आत्मा में इनका नितांत अभाव है, आत्मा में नितांत असत्य है। भैया, इतनी स्पष्ट बात तो कर दी, अब और क्या रह गया? उन्होंने कह दिया, ऐसा विचार कर मन की ये तीनों जो अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जो जीव है उसमें कल्पित है, हाइपोथेटिकल है ही नहीं है ये चीजें। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि वह आत्मज्ञान से वंचित है, सत्य से वंचित है, और भगवान कहते हैं आत्मा में इनका ये नितांत सत्य, आत्मा में तो होती नहीं। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान को भी सत पुरुषों द्वारा किए गए सत्संग अर्थात उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड़क के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन यानी भरा है उसे जानकर जीना, इसको भजन कहते हैं। ये करो, ज्ञान के बिना अहंकार नहीं जाता, जैसे प्रकाश के बिना अंधेरा नहीं जाता। ये 33वां श्लोक है। यह जगत मन का विलास है, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। प्रतीत जहां है, समझ लो कि भ्रम बस दिख रहा है, ऐसा लगता है। स्थूल शरीर इंद्रिय अंतःकरण तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिमाण की परिणाम की रचना है, स्वप्न के समान माया का खेल है। ब्राह्मणों, यह अज्ञान से कल्पित है। ये 34वां श्लोक है। अतः निरीह होकर यानी किसी की भी इच्छा ना करो, आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाओ, फिर आहार आदि दैहिक प्रपंच भी तुमको भ्रांति मूलक और मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होंगे, और देह का अध्यास भी देह का अध्यास भी
तुम्हें देह पात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होगी। अगर तुम्हारा शरीर भी गिर जाएगा तो तुमको ऐसा लगेगा नहीं कि तुम मर गए। ये 35वां श्लोक है। जैसे मदिरा में उन्मत्त व्यक्ति खूब टट शराब पिए हुए आदमी उसके जब वस्त्र गिर जाते हैं और नंगा हो जाता है शराबी, उसको पता नहीं लगता कि मैं नग्न हो गया हूं। इस वैसे ही जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो जिस शरीर में अपने स्वरूप का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया है वो नश्वर शरीर संबंधी बातों पर बिल्कुल दृष्टि नहीं डालते। प्राण इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। जब यह शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो ये गिर जाता है जैसे कपड़ा गिर जाता है। तो प्रिय वरो, या अच्छा मैं यहाँ पर महावीर स्वामी का नाम लेना चाहूंगा, उनके साथ यही हुआ। उनको पता ही नहीं लगा कि वो कब नग्न हो गए क्योंकि उनके कपड़े गल के गिर गए, वो आत्मानंद में मस्त हो गए। और आजकल क्या हो रहा है कि महावीर स्वामी के अनुयायी जो हैं वो इस बात के गहराई के मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं कि परमात्मा में इतना लीन हो जाए व्यक्ति, आत्मज्ञान में इतना लीन हो जाए कि उसको संसार की वस्तुएं, संसार की परिस्थितियां, संसार की मर्यादाएं और संसार की घटनाओं का कुछ ध्यान ही ना रहे। प्यारे मित्रों, भगवान हंसावतार कह रहे हैं कि प्रिय वरो, मैं योग सांख्य सत्य रुत मधुर भाषण तेज श्री कीर्ति और दम यानी इंद्र निग्रह इन सबकी परम गति परम अधिष्ठान हूं। योग भी मेरे लिए किया जाता है, सांख्य भी मुझे पाने के लिए किया जाता है, सत्य भी मेरे लिए किया बोला जाता है और सत्य में ठहरने की कोशिश मेरे लिए की जाती है, रत भी मेरे लिए है, मधुर भाषण भी इसलिए व्यक्ति करता है कि परमात्मा तक जाना है, तेज भी मेरे लिए ही प्राप्त किया जाता है, संपत्ति भी मुझे पाने के लिए प्राप्त की जाती है, कीर्ति भी मेरे कारण ही प्राप्त होती है और दम यानी इंद्रियों के चक्कर में नहीं पड़ता व्यक्ति मेरे मुझे पाने की कोशिश करता है, इन सब का परम लक्ष्य मैं ही हूं। मेरा इन सब चीजों का लोग जो सेवन करते हैं वो मुझे पाने के लिए करते हैं। ये 39वां श्लोक है। मैं समस्त गुणों से रहित हूं, किसी भी अप की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य असंगता आदि गुण मेरा ही सेवन करते हैं, यानी समता मेरा है, गुण मेरा ही सेवन करते हैं, असंगता यानी निर्लिप्त होना ये मेरा ही सेवन करते हैं। मैं सबका हितैषी सुहृद प्रियतम और सबकी आत्मा हूं, सच पूछो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं है, वे तो नित्य हैं, उनसे अलग हैं। सनकादि का संशय मिटाकर परम ऋषियों ने मेरी पूजा की, स्तुति की और फिर मैं अपने परम धाम को लौट गया, ऐसे जैसे भगवान अपने सनकादि पे कृपा की, ऐसे प्रभु मेरे शिष्यों पे और मुझ पे हमेशा कृपा रखना। श्रीमन्नारायण परम दयालु रे, श्रीमन्नारायण परम दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज बाल मुकुंदा, राधे गोविंदा भज बाल मुकुंदा। वे ही सतगुरु है, वे ही काटेंगे यम के फंदरे, भज मन राधे गोविंदा। द्वारकाधीश भगवान की जय।